ग्रेट टू वी अ पार्ट ऑफ अ ब्रांड एक फिल्म जो ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ सॉन्ग्स इन टर्म्स ऑफ यू नो बॉक्स ऑफिस एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलरिटी हिट हो चुकी है उस फिल्म का यू नो एक हिस्सा होना इट सेल्फ इज एन अपर्चुनिटी टू वी वेरी ऑनेस्ट मैंने किसी को बताया ही नहीं था कि आई एम डूइंग फ़िल्म सिर्फ मेरे फैमिली को और रूबीना उसको पता था कि मैं फिल्म करने वाला हूँ और किसी को नहीं पता था तो अब जब इट्स आउट द न्यूज इज़ आउट तो वी इज हैप्पी दे आर कन्ग्रेचुलेटिंग लाइक की बहुत लंबी वेट होगी बट अच्छा है ये पहली बार नहीं है मैंने एक uh, फिल्म की थी रोर टाइगर्स ऑफ सुन दर्ंस दैट वॉज माई डेब्यू इन बॉलीवुड टू बी वेरी ऑनेस्ट द रोल इज नॉट चैलेंजिंग बिकॉज कई फिल्में होती हैं जिनमें कुछ ऐसा रोल होता है कि बहुत चैलेंजिंग होता है फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्लेइंग हैंडी कैप और यू प्लेइंग समबड़ यू नो

एंड यू हैव टू डिलीवर इट सो येस दैट वॉज चैलेंजिंग एंड सेकेंडली मेरे लिए uh, सबसे जो नई चीज़ थी वो थी दो सॉन्ग्स uh, फिल्म में टोटल तो तो तीन गाने हैं mm. उसमें से दो गाने मेरे और जरीन के हैं एंड एंड आई माइट बी नोन फॉर यू नो एडवेंचर इन ऑल बट आई एम नॉट सो नोन फॉर यू नो डूइंग सॉन्ग्स सो एंड दो सॉन्ग्स वर डायरेक्टेड बाई कोरियोग्राफ बाय शबीना खान एंड शी इज़ अ टॉप प्रोफेशनल सो देवर टाइम्स वेन वी वार शूटिंग इन हाई स्पीड सो आई हैव टू लिप सिंक एट ट्वाइस और मे बी थ्री टाइम्स द यू नो द एक्चुअल स्पीड ऑफ द लिरिक्स एंड सो दैट वॉज ट्रिकी वो थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट था द जो सॉन्ग्स थे दे वार शॉट एट अ बीच इन मॉरिशस एंड द सन इज़ ऑन टॉप इट्स समर इन मॉरिशियस राइट नाउ गर्मी बहुत है और ऊपर से उसमें रोमेंटिक सीक्वेंसेज करना यू नो लिप सिंक करना ऐट ट्वाइस द वो और फिर शबीना एज अ परफेक्शनिस्ट वो शबीना को अगर एक ऐसा शॉट चाहिए तो ऐसा ही चाहिए तो वो इतना इतनी इनपुट्स थी hmm. इतने पैरामीटर्स में मुझे काम करना था कि इट बिकेम लाइक कि ओ यार यू हैव टू बी ऑन द ऑन द यू नो ऑन द फीट ऑल द टाइम तो सीन्स को लेकर जहाँ तक स्क्रिप्ट और सीन्स की बात है इन माई लाइफ आई नेवर निन नर्वस विद एनी वन रोमेंटिक सस्पेंस थ्रिलर दैट Exactly uh, yes, uh, उसमें प्रोटैगनिस्ट थे यू uh, नो you know, uh, एक लड़की थी दो लड़के थे uh, दिनो uh, इमरान एंड uh, उदिता वैसे ही इसमें भी uh, तीन प्रोटेगनिस्ट हैं लेकिन अदरवाइज uh, स्टोरी का कोई uh, आपस में है वो नहीं हैिटी बी लिटल फ्लेक्सीबल यू नो विद विद द लाइन्ज इन विद योर वे ऑफ डूइंग डूइंग द सीन आई थिंक ही इज़ द वन सो ही इज़ वेरी कूल एंड चिल्ड आउट सो आई लाइक डू वर्किंग टू थाउजेंड सिक्सटीन वॉज एक्चुअली अ गुड इयर बट आई एम रियली लुकिंग फॉर्ड टू टू थाउजेंड सेवनटीन बहुत सी कुछ प्लान्स मैंने बनाए हैं जो टू थाउजेंड सेवेंटीन में मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ आई वॉन्ट टू गेट इन टू मेकिंग फिल्म शॉर्ट फिल्म जो कि द प्रपरेशन इज डन एंड नेक्स्ट ईयर आई स्टार्ट मेकिंग इट एंड आई हैव एडवेंचर ट्रिप्स विच आर वेरी बड़ी कॉल जो कि बहुत ही रेयर uh, हैं जो मैं करने वाला हूँ सो लॉर्ड ऑफ थिंग्स प्लान फॉर टू थाउजेंड सेवनटीन आई वॉज डूइंग ट्रैक टू चंदेरीगढ़ चंदेरीगढ़ एक फोर्ट है बहुत पुराना uh, तो वहाँ पर एक uh, ट्रैक रूट बना हुआ है जो कि लाइक नॉर्मल पीपल गो इन ट्रैक आउट सो हमने uh, एक गलती की कि हमने उस ट्रैक को रात को करने की कोशिश की इन इंस्टेड ऑफ अ डे सो बाय द टाइम हम वी आर डूइंग द फाइनल क्लाइम अंधेरा हो चुका था एंड वहाँ पर आफ्टर वाइल इट्स ऑल रॉकी सब रॉक्स हैं सो देर इज़ नो पाथ ऐसा आपको एक यू नो ट्रेल जाता हुआ नहीं दिखेगा जो कि घास और नॉर्मल लैंडस्केप में दिखता है सो वहाँ पर उन्होंने मार्किंग्स लगा रखी हैं एर लगा कर द राइट वे आप सो बिकॉज इट वॉज डार्क एंड हम अपना हेड गेयर ऑन करके चल रहे थे तो वी मिस इट एंड वी मिसड इट उसके बाद वी स्टार्टिड क्लाइंबिंग द रॉन्ग फेस ऑफ द माउंटेन और वो ऐसा फेस था कि यू कैन गो अप बट नीचे आना वॉज इम्पॉसिबल बिकॉज दे इज़ अ सेंग इन क्लाइंबिंग दैट इफ द क्लाइंब इज़ गेटिंग डाउन इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट इफ द क्लाइंब इज़ वेरी डिफिकल्ट गेटिंग डाउन इज इम्पॉसिबल सो वी डिड अ वेरी डिफिकल्ट क्लाइंब सो वी हैव टू बी रेस्क्यू नेक्स्ट डे एंड आम वेरी थैंकफुल की आर एज एर्गेनाइजेशन का निसर्ग मित्र जिन्होंने आके हमें रेस्क्यू किया वहाँ से अदरवाइज वी वुड है िटीज ऑफ लाइफ वेल अक्सर इट्सल इज़ अ ब्रांड बाय नाउ और अक्सर टू में मैं हूँ जरीन है गौतम है सो यू हैव ऑल नो रीजन्स टू गो वॉच इट इन टर्म्स ऑफ विजुअल ट्रीटमेंट इट्स अ वेरी गुड फिल्म एंड इट्स अ गुड स्क्रीन प्ले फॉर वो वैन सी इट थैंक थैंक यू